हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 9 से नंबर सिस्टम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चेंज इट टू पी बाय क्यू फॉर्म। सबसे पहले क्वेश्चन को एक्स के इक्वल लीजिए। हम अपने वीडियो में पहले भी आपको बता चुके हैं कि अगर हमें किसी भी क्वेश्चन को पी बाय क्यू के फॉर्म में चेंज करना होता है तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है। हमारा जो पहला स्टेप ये होता है कि जो हमारा डेसिमल है वो रिपीट टर्म से पहले होना चाहिए, मतलब जो नंबर रिपीट कर रहा है हमारा डेसिमल वहां होना चाहिए, उससे जस्ट पहले, क्योंकि 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 रिपीट कर रहा है, तो हमारा जो डेसिमल है वो यहां होना चाहिए। तो सबसे पहले इस डेसिमल को 2 से पहले लाने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। तो देखिए दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हुआ हमारा पहला स्टेप। हमारा जो डेसिमल है वो रिपीट वाले टर्म से पहले आ गया। अब स्टेप 2, कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं। जैसे हमारे सिंगल नंबर है 2 2 2 2 2, तो 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, तो इसलिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। मान लीजिए दो नंबर रिपीट कर रहे होते हैं 7 6 7 6 7 6, या 7 6 से बार लगा होता, डिनोट करने का तरीका ऐसा ही होता है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और अगर बार लगा होता 6 6 5 6 6 5, तीन नंबर के ऊपर बार लगा होता, मतलब तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 1000, क्योंकि यहां एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10। तो देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा, ये एक बार खिसक जाएगा हमारा डेसिमल। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा। Now, 1000 minus 100 is 900x is equal to 912.2 bar, minus करना है, कट गया 1821। चेक कर लेते हैं एक बार, yes, तो x हो गया 821 upon 900, hence proof। मैं अपने व्यूअर्स से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी है, कोई आपको डाउट है किसी टॉपिक में, किसी टॉपिक से आप कोई क्वेश्चन करवाना चाहते हैं, तो आप हमें अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। दैट्स ऑल।